नमस्कार दोस्तों, आज कोरोना वायरस पे मैं दूसरा वीडियो निकालने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बहुत ही सिंपल लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा विचार जरूर करें। मेरा पहला सवाल है, आप कौन से ब्रांड का मोबाइल फोन यूज करते हैं? जी हाँ, ये वीडियो आप किसी मोबाइल पर देख रहे होंगे, कौन से ब्रांड का मोबाइल फोन यूज करते हैं? चलिए मोबाइल छोड़ देते हैं। आप कौन सी ब्रांड की कार या बाइक चलाते हैं? चलिए वो भी छोड़ देते हैं। एसी, टीवी, फ्रिज किस ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं? आप कहेंगे भंडारी जी, मोबाइल ब्रांड का कोरोना वायरस से क्या लेना देना है? है लेना देना है, इसीलिए आज पूछ रहा हूं। पीएम फंड के अनाउंस होते ही आधे घंटे के अंदर, जी हां आधे घंटे के अंदर, टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए कमिट कर दिए और अब तक 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन एक भी चाइनीज कंपनी, एक भी कोरियन कंपनी, एक भी अमेरिकन कंपनी, जी हां ये सारी कंपनी, इनमें से किसी का भी कोई भी बड़ा नंबर नहीं आया है। क्यों? क्या आप हमारे देश में धंधा नहीं करते? वैसे तो आपके हर क्वार्टर में बड़े बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो लेकिन जब आज हमारे देश में आपदा है तो आप कहाँ गायब हैं? मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहूँगा, उस नंबर्स के बाद आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है? कुछ नंबर्स देखते हैं। शॉमी इंडिया 2018-19 में 35,000 करोड़ का धंधा किया है इसने। एप्पल इंडिया 10 से 12,000 करोड़ का धंधा किया है। ओप्पो वीवो, जिसके मोबाइल फोन हमारे यहाँ करण अर्जुन की तरह चलते हैं, ओप्पो वीवो ने 48,000 करोड़ का धंधा किया है। 48,000 करोड़, जी हाँ। सैमसंग इंडिया 75,000 करोड़ का धंधा किया है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे देश के लिए? ओप्पो ने 1 करोड़ रुपए अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। और शॉमी इंडिया के सीईओ मनु जैन, वो क्या डिक्लेयर करते हैं? पढ़िए पढ़िए, स्क्रीन पे आएगा। N95 मास्क हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे देश के लिए। N95 मास्क कहाँ से? चाइना से लाएंगे ना आप, वही डिफेक्टेड फैक्ट्री चाइना। कितने का पड़ेगा आपको ये मास्क? 10 पैसे का पड़ेगा। लाख मास्क भी बना लिए तो 10,000 से ऊपर का खर्चा नहीं आएगा। 35,000 करोड़ का धंधा करते हो मनु जी, आपकी कंपनी 35,000 करोड़ का धंधा करती है हमारे देश के साथ। कुछ तो दिल रखिए देश के लिए। फिर बोलता हूँ, कुछ तो दिल रखो। कहाँ टाटा की 1500 करोड़ की कंट्रीब्यूशन, कहाँ हमारे फिल्म स्टार अक्षय कुमार की 25 करोड़ की कंट्रीब्यूशन, और कहाँ ओप्पो की 1 करोड़ की कंट्रीब्यूशन, कहाँ शॉमी इंडिया की लाख रुपए की कंट्रीब्यूशन। अरे भाई, 35 से 38,000 करोड़ का सालाना धंधा करते हो हमारे देश के साथ, कुछ तो दिल रखो। फिर से बोलता हूँ, कुछ तो दिल रखो। मैं नहीं बोलता कि आप हमारे यहाँ धंधा मत कीजिए, अगर आपके पास एक बढ़िया प्रोडक्ट और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ही नहीं है तो हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव नहीं बनता। लेकिन अगर आप हमारे देश की ग्रोथ में भागीदार बनना चाहते हैं, जगह जगह जाके नगाड़े बजाते हैं कि FDI ओपन कीजिए, हमें आप फ्री मार्केट दीजिए, तो जब आज हमारा देश संकट में है तो तब भी पार्टिसिपेट कीजिए। चाहे आप चाइनीज हो, चाहे आप कोरियन हो, चाहे आप अमेरिकन हो, चाहे आप एप्पल हो, चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, टूथपेस्ट की एड बनाते वक्त आप शाहरुख खान, आमिर खान को करोड़ों रुपया दे सकते हैं, लेकिन आज जब मेरे देश को जरूरत है तो आप कुछ कुछ लाखों करोड़ों अपनी जेबें खाली नहीं कर सकते। सिर्फ अपनी जेबें भरिए मत, हमें तो आपकी जैसी कंपनियों को MBA के स्कूल में एक आइडियल कंपनी के तौर पे दिखाया जाता है। क्या होती है आइडियल कंपनी? वो जो कंपनी देश के लिए काम करती है, एक पर्पस के लिए काम करती है। ये पर्पस स्टेटमेंट ही है, जी हाँ, स्क्रीन पे देखिए, वापस से बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए, ये टाटा सन्स की पर्पस स्टेटमेंट ही है जो टाटा सन्स को बाकी इन सारी कंपनियों से अलग कर देती है। हालांकि मोस्टली वीडियोस तो मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाता हूँ, यानी कि व्यापारियों के लिए या जो व्यापारी बनना चाहते हैं उनके लिए बनाता हूँ, लेकिन आज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, एज अ कंज्यूमर, एज अ ग्राहक। ग्राहक आप अगर ग्राहक है तो आपके लिए बनाया है ये वीडियो, थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा इस वीडियो पे। क्या मैं क्या चाहता हूँ आपसे? अगर आप एक टीवी खरीदना चाहते हैं, AC खरीदना चाहते हैं, फ्रिज खरीदना चाहते हैं या मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो लाखों जगह से पूछते हैं कि भैया ये मोबाइल कैसा है, ये इस मोबाइल की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, के फीचर क्या हैं। गूगल में जाके हजारों रिव्यू पढ़ते हैं, उसके फीचर्स पढ़ते हैं, तो आज से एक और चीज पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिर्फ एक और चीज बोल रहा हूं कि ये कंपनी आपके देश के लिए क्या करती है। जब देश पे विपदा आती है तो ये कंपनी ने आपके देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। अगर ये कुछ नहीं करती तो अपने खरीदने के तरीके को बदलिए। जब आप अपने खरीदने का तरीका बदलेंगे ना, तो ये कंपनी अपने आप बदल जाएंगी। अगर आपको इन कंपनियों का चरित्र बदलना है तो पहले आपको बदलना पड़ेगा, एज अ कंज्यूमर, एज अ ग्राहक आपको बदलना पड़ेगा, अपना बाइंग बिहेवियर बदलना पड़ेगा। अपने बाइंग बिहेवियर में एक और पैरामीटर जोड़ना पड़ेगा कि भाई साहब, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी कंपनी मेरे देश के लिए क्या करती है, मेरे देशवासियों के लिए क्या करती है। जब विपदा आई थी तो क्या आपकी कंपनी वहां पे खड़ी थी या नहीं खड़ी थी? क्या आपने थोड़ी सी जेब खाली की मेरे देशवासियों के लिए, जब उनको, जब
संकट का समय आया था? अगर हाँ तो मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदूंगा, आपसे जरूर प्रोडक्ट खरीदूंगा। कहते हैं ना, मैंने देश का नमक खाया है, टाटा नमक। मैं ये वीडियो मैं सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर उस इंसान के लिए बोल रहा हूँ जो आज मेरे देश के लिए खड़ा है। अरे अक्षय कुमार रियल लाइफ का हीरो है यार, ये रियल लाइफ का हीरो है। मैं इस वीडियो पे कमिट करता हूँ, अक्षय कुमार की हर पिक्चर को मैं पिक्चर हॉल में जाके देखूंगा और मैं चाहूंगा आप भी देखें। इसको कहते हैं हीरो यार, 25 करोड़ रुपए डिक्लेयर कर दिए उसने, बाकी सेलिब्रिटीज कहाँ हैं? चलो आएंगी, जितना भी दे अपनी तरफ से आपसे जितना भी होता है दे, लेकिन दे जरूर। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, दे जरूर। अब वापस आते हैं इन कॉर्पोरेट्स पे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियां नहीं है। मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ बड़ी कंपनियां कैसे बनाई जाए, और बड़ी कंपनी बनाते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट चीजें सिखाता हूँ, आपकी पर्पस स्टेटमेंट, आपका विजन, और उसके साथ साथ आपका वैल्यू सिस्टम। आपके वैल्यू सिस्टम में अगर आपके देश के लिए कोई इज्जत नहीं है, अगर आपके देश के लिए कोई प्यार नहीं है, तो कंपनी बनाने का फायदा नहीं है। आप एज अ कंज्यूमर, एज अ ग्राहक, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इस वीडियो को हर उस ग्राहक तक पहुँचाइए जिसका प्रोडक्ट, जो ये इस इन कंपनियों का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये कंपनियाँ मजबूर हो जाए कि भैया इस देश को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ का ग्राहक बदल चुका है। अब ये ग्राहक सिर्फ सस्ता ग्राहक नहीं है कि डिस्काउंट दे के खरीद ले, ये ग्राहक ये भी देखना चाहता है कि इस देश के लिए हमारा दिल क्या है। जागो ग्राहक, जागो। धन्यवाद। जय हिंद।